कैसे हैं आप। मैं डीजी जैन डीजी जैन्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम मिले थे एक स्नैक के साथ, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक डिलीशियस पुडिंग। जी हाँ, आज हम बनाएंगे एक पुडिंग जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी डिलाइट। तो स्ट्रॉबेरी डिलाइट शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर से कि वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक मेरी रेसिपीज़ पहुंच सकें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की डिलीशियस पुडिंग स्ट्रॉबेरी डिलाइट। तो लीजिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लेंगे हाफ कप ऑफ चिल्ड मिल्क। ये मैंने फ्रिज में से निकाला है, चिल्ड मिल्क है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी सिरप। ये हमें डालना है 2 टीस्पून, ये देखिए 2 टीस्पून स्ट्रॉबेरी सिरप मैंने इसमें ऐड किया है, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क 1 टीस्पून ऑफ मिल्क। अब हम इसमें इस तरह से इसे ऐड करेंगे। हमें इसमें शुगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया है जिसमें ऑलरेडी शुगर होती ही है, और इसमें हमने स्ट्रॉबेरी सिरप ऐड किया है उसमें भी शुगर होती है, तो हमें एक्स्ट्रा शुगर डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसका कलर अच्छा पिंक हो गया है, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे एक साइड पर रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइस। ये देखिए मैंने इसके साइड्स कट करके इसे राउंड शेप कर लिया है। मैंने इन्हें अब इसमें आराम से बहुत ही इजीली इस तरह डिप करना है दोनों साइड से। फ्रेंड्स, मैं आपको दो तरह से इसे प्लेट करना दिखाऊंगी। अब हम अपना दूसरा इसी तरह से डिप करेंगे। ये देखिए बहुत ही सॉफ्टली हम इसे इस तरह से उठाएंगे। अब इसे मैं प्लेटिंग करने लगी हूँ एक बाउल में। मैं दोनों तरह से प्लेटिंग करके आपको दिखाऊंगी, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो करें। और इसके ऊपर हम यही हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क इस तरह से डालेंगे। इसी तरह से हम इसे प्लेट में भी अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि इसका प्रॉपर टेस्ट खाते समय आए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। ये जो पुडिंग है बहुत ही लाइट और बहुत ही लवली पुडिंग है। अब हम लेंगे फ्रेंड्स फ्रूट कॉकटेल। ये देखिए इस तरह से मैंने इसका सिरप है जो वो निकाल दिया है, और अपने फ्रूट्स इसमें से हम लेकर अपनी पुडिंग के ऊपर प्लेस करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये फ्रूट्स लिए और इसे हम अपनी पुडिंग के ऊपर इस तरह से प्लेस करते हुए रखेंगे। ये देखिए ये हमने कॉकटेल इस तरह से चारों तरफ, ये देखिए इस तरह से फैला दी है। अब हमारी जो दूसरी बाउल है उसे भी हम सेम इसी तरह से डेकोरेट करेंगे। ये देखिए इसके अंदर हम, ये बहुत ही हेल्दी स्नैक है क्योंकि हमारे इसके अंदर फ्रूट्स भी आ जाते हैं, दूध भी आ गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी पुडिंग है ये। ये देखिए इस तरह मैंने दो तरह से आपको प्लेटिंग करके दिखाई है, आप किसी भी तरह से कंटिन्यू इसे कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब मैंने ली है 50 ग्राम, ओनली 50 ग्राम व्हिप्ड क्रीम
आप चाहे तो इसे घर पर भी बना सकते हैं या फिर रेडीमेड भी आपको इसी तरह से व्हिप्ड क्रीम मिल जाती है। अगर आप घर पर बनाने की रेसिपी देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेशन में जाकर प्लीज जरूर कमेंट करें। इसमें हम ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी एसेंस। ये मैं इसमें, ये देखिए, 5 to 6 ड्रॉप्स मैंने डाले हैं इसमें स्ट्रॉबेरी एसेंस। अब मैं इसमें डालूंगी रेड लिक्विड कलर। मैं इसके डालूंगी इसमें 5 to 6 ड्रॉप्स रेड कलर। इसी के साथ हम फिर से ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी सिरप इसे यमी टेस्ट देने के लिए। अब हम इसे स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करेंगे ताकि इसमें एसेंस डाला है हमने जो अच्छा स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर हमें देगा। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। बहुत ही अच्छा जो कलर है इसका आया है। अब मैंने ली है ये कीप, ये नोजल, इस तरह से, इस तरह की नोजल हमें लेनी है और ऊपर मैंने इसी तरह से कीप पॉलिथीन जो है उसके ऊपर रखा है। अब मैं अब लूंगी एक गिलास, उसमें इसे इस तरह से प्लेस करूंगी, इस तरह से। अब हम इसमें फिल करेंगे हमारी जो क्रीम, व्हिप्ड क्रीम है, इस तरह से मैं इसमें प्लेस करूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये व्हिप्ड क्रीम जो है इसमें डाल ली है। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी सिरप, इस तरह से। अब हम इसे गिलास में से निकालेंगे और इस तरह से टाइट कर लेंगे ऊपर से, और यहाँ पर हम लेंगे हमारी डिश और इस तरह से धीरे धीरे ये इस तरह से हम पूरा फिल कर लेंगे। ये इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें बहुत ही अच्छा कलर और टेक्सचर इसमें आया है। इस तरह से हम इसे प्लेस कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी स्ट्रॉबेरी डिलाइट। बहुत ही लाइट पुडिंग है ये, देखिए। अब इसी के साथ जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाउल में भी बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसमें सर्व करना है, ये मैं सेंटर से शुरू कर रही हूँ। इस तरह से हम इसको भी फिल करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही यमी और लुक भी बहुत ही अच्छी इसकी भी। अब हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे इस तरह से कॉकटेल का एक पीस, और दूसरी तरफ भी इस तरह से हम प्लेस करेंगे कॉकटेल का एक पीस। इसे और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके ऊपर मैं पोर करूंगी स्ट्रॉबेरी क्रश, इस तरह से।
तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी डेलीशियस पुडिंग जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी डिलाइट। आई होप ये बहुत ही लाइट यमी जो हमारी पुडिंग है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फेस्टिवल सीजन है फ्रेंड्स, आप इसे बनाइए और जो भी रिलेटिव्स घर में आते हैं उन्हें खिलाइए। तो लीजिए, इंजॉय कीजिए इस यमी रेसिपी के साथ। आज हमारी ये रेसिपी जो है, आई होप आपको बहुत बहुत पसंद आने वाली है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी ये रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, इंजॉय कीजिए डिलीशियस फेस्टिवल स्पेशल पुडिंग स्ट्रॉबेरी डिलाइट। और मेरे चैनल को इसी तरह लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि मेरी रेसिपीज सभी तक पहुंच पाए। ओके, बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी।